हरदा के किसान समूह बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम कर रहे हैं। जहां समूह के लोगों की जानकारी और विशेषज्ञता कम पड़ जाती है, वहां खास क्षेत्रों के जानकारों को भी बाहर से बुला लिया जाता है। ऐसे बाहरी विशेषज्ञों और सलाहकारों की फीस और उनके आने जाने का खर्च समूह और लाभान्वित होने वाले किसान दोनों मिलकर देते हैं। इससे इन किसानों को कृषि के क्षेत्र में हो रहे नए बदलावों को समझने और उससे तालमेल बिठाने में मदद मिल जाती है। पहले भी हम लोग विशेषज्ञ बाहर से बुलाते थे, तो वो हम अपने स्तर से बुलाते थे, तो उसमें हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब हम पूरे ग्रुप के लिए कर रहे हैं, तो वो खर्चा भी कम हो जाता और काफ़ी किसानों को उसका फ़ायदा मिल जाता। हम महाराष्ट्र से बुला रहे हैं, जैसे हल्दी के लिए बुला लेते हैं, अदरक के लिए बुला लेते हैं, समय समय पर हम जिस फसल के लिए जो एक्सपर्ट की आवश्यकता लगती है हम बुला रहे हैं। नए नए प्रयोग कर रहे समूह के किसानों ने अब जैविक खेती की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया है। हालांकि फिलहाल केवल खुद के इस्तेमाल के लिए अपने खेतों के एक हिस्से पर शुरुआत के तौर पर जैविक खेती की योजना बनाई जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि समूह के ही एक सदस्य ने ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक का उत्पादन भी शुरू कर दिया, जिससे समूह के दूसरे सदस्यों को जैविक खाद की आसान उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है। सर, जैसे आप खाद जो शुरुआत करिए खाद बनाने के, ग्रुप में हम लोग दो या तीन लोग साथ में कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस खाद को बनाने से ग्रुप को जो जैविक करना चाहता है उनको इससे फायदे हो जाते हैं और अपना कुछ कुछ काम बांटा हुआ है सभी ने। हमारा जो समूह है उसमें जितने भी किसान हैं उसके लिए जो एक यूनिफॉर्म खेती करते हैं, उस खेती के लिए हम बाज़ार का विश्लेषण पहले से ही कर लेते हैं। उसके जो खरीदार हैं उन लोगों से हमारी लिंक पहले ही रहती है और उनको कितने माल चाहिए उसका डिमांड हमारे पास पहले रहता है। उस माल का उत्पादन हम करके हमारी फसल आने से पहले ही उसके खरीदारों से हमारे सीधे संबंध होते हैं और उस माल को हम डायरेक्ट बेच देते हैं। समूह के कारण बेहतर स्थिति में तो आए हैं। हम पहले थे अकेले किसान, तो कहाँ जाएगा, बाज़ार का इतना अनुभव भी नहीं होता था पहले पहले। तो समूह में सब लोग रहते हैं, अपनी अपनी जो जानकारियाँ हैं वो एक दूसरे से बांटते हैं और दूसरी जगह जो बड़े शहरों में आसपास जहाँ भी मार्केट रहता है उसकी सब जानकारी लेके इस साल जो बेची हल्दी हमने उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है हमको इंडिविजुअल के अलावा। बाज़ार जैसे हम बिजई के लिए जब जाते हैं तो ग्रुप में जब बिजई आती है तो वो रेट भी अच्छे मिल जाते हैं और मार्केट के लिए जब जाते हैं तो सब इकट्ठे और ज़्यादा फायदा है मार्केट। हरदा का यह कृषक समूह अपने कार्यकाल का पहला वर्ष खत्म होते होते ही और ज्यादा किसानों को जोड़ने और ऑनलाइन मार्केटिंग का सहारा लेने की योजना बना चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि देश के सबसे अमीर कृषि प्रधान जिलों में से एक में शुरू हुआ यह समूह छोटे किसानों को साथ लेकर और बेहतर नतीजे हासिल कर लेगा। अपनी शुरुआत के महज 5 महीनों में उत्कृष्ट कृषक समूह ने हरदा के कृषि मानचित्र पर अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी है। खेतों में फसलों की बुआई से लेकर उसकी मार्केटिंग तक के रोड मैप पर तो यह समूह पहले से ही काम करना शुरू कर चुका था। अब ऑनलाइन मार्केटिंग और ऑर्गेनिक खेती के साथ कृषि के दूसरे और आधुनिक दौर में पहुंचने की तैयारी भी ये शुरू कर चुका है। मंडी.com के लिए हरदा से अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।